बड़ाकर में एक और युवक के मौत की अफवाह ने बड़ाकर में युद्ध का माहौल बना दिया था। पुलिस की हिरासत में मंगलवार को अरमान अंसारी की मौत ने घंटों बड़ाकर को रणभूमि में बदल रखा था। अरमान की मौत से गुस्साए लोग बड़ाकर फाड़ी के पुलिस कर्मियों के खून के प्यासे बन गए थे। लोगों ने फाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की, कुछ पुलिस के वाहन में आग भी लगा दी थी। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने स्थिति को संभाल लिया था, लेकिन बुधवार की सुबह पुलिस हिरासत में एक और युवक की मौत की खबर ने दोबारा इस आग को भड़का दिया। बड़ाकर के बेगुनिया मोड़ के पास टायर जलाए गए, रास्ता जाम कर दिया गया। खबर है कि अरमान अंसारी के साथ गिरफ्तार हुए एक और युवक के साथ पुलिस ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया था, जिसे गंभीर हालत में आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आपके सामने एक वायरल ऑडियो सुनाते हैं, जिसमें अरमान अंसारी की गिरफ्तारी और कई दूसरी बातें सुनने को मिल रही है। हालांकि बंग आवाज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। तुम लोग किया निशा रोड वाला तब बोल रहा कि तुम्हारा मोबाइल में का तो फोटो तो पीछे निकला था का आराम का? नहीं तो वो सब ऐसे फोटो है, फेसबुक फोटो है। फेसबुक फोटो है तो तुमको मारा है? बड़ी मारो भी। अब अरमान को कहाँ मारा था, यहाँ मारा था कि कुल्टी में मारा था? यहीं भी मारा था, कुल्टी भी मारा। और तुमको भी चोट उठा है के बड़ा बाबू की प्रतिकवा बापी नहीं सब के खाली नम्मा बोलना। वो लोग ज्यादा है, बोल रहा तेरा पास पिस्टल तो कहाँ हम लोग को दे के बापिन प्रतीक। हाँ और वो जो कोटा जैसे है ना लड़का तो गोरे करके झनकपुरा वाला। हमारा है तुमको बड़ी मार, बड़ा बाबू मारा है कि कुल्टी वाला? बड़ा बाबू। और अरमान को लेके कुल्टी चल गया था का? तो तुम लोगों को पता चला था अरमान मर गया ना का हजते में? वो बोले मारा गया चले ना हजत में, उसका हाथ टूट गया बोल रहा है। तो ये बड़ा बाबू अभी मर गया, अरमान मर गया मालूम है ना? अरमान मर गया थे, अरमान मर गया कल सुबह में कि तब नहीं झमेला तुम लोग फाड़िए में ना तुम लोग लड़ाई झगड़ा फाड़िए का गाड़ी में आग वोग लगाया ये सब किया, ये सब करने के लिए अरमान डेट कर गया है। हमको मालूम चला कि उसका दोनों पैर अपने हाथ तोड़ दिए। पता है उसको मार के बोरा का झाड़ी में फेंक दिया था। फिर उधर से उसको पड़ोस वाला लोग दिखा है कि अरमान उधर गिरा हुआ है, तब जाके उसको उठाया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया। फिर हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने बता दिया कि उसका लास्ट स्टेज है, वापस ले गया वो डेथ कर गया वहाँ पे। फिर उन्होंने किसी ने देखा कि कल उसको उठा के ले गया पुलिस लोग, फिर लोग यहाँ पर मातम मचाया। नहीं तो अभी तो होपलेस मत हो, ठीक है? ते जा कुछ पूछ रहा था डिसागर रोड वाला बात। हाँ। डिसागर में चोरी किया है तो तुम्हारा घर से कुछ सामान वामान निकला? ये सब तो कुछ निकला नहीं है। हाँ। बपिनवा पूर्ति को ये सब ज्यादा कर रहा था ना। हाँ। अरमान को मारा है बड़ाकर में कि कुल्टी में? तो सियोर बता ना भाई मेरे। अभी मारा कुल्टी में भी मारा। तुम लोग को बड़ा कुल्टी नहीं ले गया था तुमको ना? तो सामूल को, चंदन ढीबर को, उसको, अरमान को, तीनों को कुल्टी ले गया था? अरमान का सामूल को ले गया कुल्टी, और अरमान को सामूल, चंदन को ही रख लिया था? तो चंदन को छोड़ा कि उसको भी रख ले ही है? सबको छोड़ दिया। ठीक तो कौची में तेरा दर्द है अभी? पेट में अब पीछे में। तुमको हम बोले थे ना भाई रह जा, भाई रह जा मत जाओ भी, तुमको हम बार बार बोल रहे थे यार कि रह जा भाई, बा काहे ला जा रहा है ना? अगर घर का सुन लेता ना तो हालत आज ऐसा नहीं होता। उसके वजह से पता है पापा का भी जेल थाना नहीं देखे, पापा का एक रात कटाना पड़ा, मम्मी दूसरे के हाथ से मार खाई है, पता है दीदी? मालूम है, हम बोले थे कि 10 दिन के लिए बाबू एकदम बेफिक्र इधर रहा, कोई दिक्कत कोई तरह का दिक्कत नहीं। देखिए कहाँ का बोझ है, कहाँ माथा पर डाल रहा है, अब बताइए। क्या बता कर आए हैं? फोन कर रहे हैं ससुराल में, हम बता के आए हैं कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम जा रहे हैं सुबह सुबह अपने बच्चे को छोड़ के आए हैं हम।
कहा बोले ठीक है दीदी, इसको पहले दिखाइए और वही भर्ती करिए, जब केस किए है ना तो एलिम में भर्ती करिए। केस किए है? हाँ तो एलिम में ही इसको भर्ती कीजिए, सरकारी रिपोर्ट ही मांगेगा। सरकारी रिपोर्ट मांगेगा तो हम अपने सक्तोरिया में भी तो करा सकते हैं ना। हाँ हाँ सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाइए, जहाँ करवाएंगे अभी ले जाइए, ले जाइए उसको ले जाइए, दर्द उर्द है लग रहा। थोड़ा बात करवाइएगा दीदी, जब वो फ्रेश हो जाएगा ना तब बात करवाइएगा, अभी उसको ले जाइए। उधर है ना ठीक, नहीं नहीं तो आप जब जाइएगा नेक मैडम से बात करवाइएगा, इसको इतना रोके हैं हम, बस समझाए हैं लेकिन क्या बोलेंगे, सुने सुन लेते तो हम लोगों को इतना क्या बोले, ऐसा लग रहा है हम लोग खुद सुसाइड कर ले। ठीक है दीदी, अभी तो बात टाइम नहीं है ना। ठीक है, आसनसोल में दोस्तों की महफिल जमेगी अब तीखी मिर्ची के साथ, स्ट्रीट फूड बट नॉट ऑन स्ट्रीट, बेस्ट क्वालिटी के बिरयानी, साथ ही वेज और नॉन वेज डिशेस के साथ हर तरह के पराठे, टेस्ट ऐसा कभी खाया ना हो जैसा। दोस्तों और फैमिली के साथ आज ही आए तीखी मिर्ची, बूदा मोड़ नियर देश प्रेमी क्लब आसनसोल, कॉन्टेक्ट नंबर 9800378870 एंड 9144852265।